उंगलियों के इन जादूगरों से मिलिए, कालीन के इन कारीगरों से मिलिए। इन लोगों ने अपनी मेहनत और हुनर के दम पर एक छोटे से जिले को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला दी। कालीन का नाम आते ही यूपी के भदोही का नाम सबसे पहले लोगों की जुबान पर आता है। भदोही के हर गांव में आपको ऐसे ही नजारे मिल जाएंगे। ऐसा कोई घर नहीं जहां कालीन से जुड़ा काम ना हो रहा हो। हर घर में आपको छोटे छोटे लूम मिल जाएंगे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत से हर साल विदेश में करीब 8,400 करोड़ रुपए का कालीन निर्यात होता है, जिनमें से करीब 60% हिस्सेदारी भदोही की है। यहाँ से सबसे ज्यादा कालीन अमेरिका निर्यात किया जाता है। भदोही की कालीन जो है पूरे दुनिया में उसकी डिमांड होती है। यहाँ की कालीन का जो निर्यात होता है, जो भी हिंदुस्तान से कालीन को निर्यात करते हैं वो यही कहते हैं कि ये हमारी कालीन भदोही में बनाई गई है, भदोही की कालीन है। जो कृषि से लोग संबंधित हैं, जो साल में शायद 2 महीना कृषि के ऊपर अपना काम कर सकते हैं, उनको 10 महीने के लिए ये गलीचे का बुनाई करना, उसमें और काम मिल जाता है। भदोही के तकरीबन 95% गांव कालीन उद्योग से जुड़े हुए हैं। खेती के साथ साथ लोग घरों पर कालीन बुनने का काम करते हैं। खास बात यह है कि इस काम में सबसे ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। महिलाएं घरों का काम निपटाने के बाद घर पर ही कालीन के लिए कच्चा माल तैयार करती हैं। इन लोगों के मुताबिक मुगल काल में यहाँ के खमरिया गाँव में कुछ बुनकर ईरान से आए थे। उन्होंने ही गाँव वालों को कालीन बुनाई की कला सिखाई। तब से ये कला यहाँ पर विरासत बन गई है। ऑन डिमांड कोई भी डिजाइन बुनने में यहाँ के कारीगर उस्ताद हैं। अपने हाथ से भी डिजाइन बनाते हैं, बहुत लोग आते हैं डिजाइन बताते हैं, या बहुत लोग आते हैं ट्रेस उसका देते हैं बनाने के लिए, जैसा आपका मर्जी डिजाइन, आपको बहुत लोग को ऐसा पसंद होता है डिजाइन वही बनाता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही यहाँ के घरों से मशीन की ठक ठक की आवाज आने लगती है। बड़ी बड़ी कंपनियां गांव से कालीन खरीद कर उसकी मार्केटिंग करती है। भदोही के कालीन की दुनिया में इतनी डिमांड है कि यहाँ के कालीन पर मेड इन भदोही छपा होता है। कालीन उद्योग से जुड़े इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार इस उद्योग को मदद करे तो यहाँ के गांवों की तस्वीर बदल सकती है। दिनेश कुमार, भदोही, आज तक।